हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। हम उन अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिनमें उपचयन एवं अपचयन एक साथ होते हैं। आइए पहले उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है इसके विषय में जानते हैं। उपचयन का सीधा सीधा अर्थ ये है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम उपचयन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। आइए इसे हम अधिक विस्तार में एक क्रियाकल्प के द्वारा समझें। एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करें। आप क्या देखते हैं? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। लेकिन ये काला पदार्थ क्यों बना? ये कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण होता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। अभिक्रिया के समय कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन ऑक्सीडेशन हुआ है और इसलिए ये अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि काले रंग की सतह भूरे रंग की हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यहां कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, या दूसरे शब्दों में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन हुआ है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रियाएं रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। यदि हम इस अभिक्रिया को गौर से देखें तो पाएंगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपचयित हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयित हुआ है। ऐसी किसी भी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अथवा रीडॉक्स अभिक्रियाएं रीडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। आइए अब हम अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानें। जब भी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। आइए अब अपचयन और उपचयन को हम दो उदाहरणों के द्वारा और विस्तार से समझें। इस पहली अभिक्रिया में सोडियम में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, इसलिए ये अपचयन का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, अर्थात अपचयन, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, अर्थात उपचयन हो रहा है। आइए ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में जानें जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसा हमने उदाहरण 2 में देखा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास अर्थात अपचयन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि
अर्थात उपचयन हो रहा है। इस तरह एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हो रहे हैं। तो दोस्तों, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या मतलब है? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों, है ना ये रोचक अभिक्रियाएं? कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहले उदाहरण एक में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अपचयन और कार्बन में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। दूसरे उदाहरण में MnO2 से ऑक्सीजन का अपचयन तथा HCl में ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तीसरे उदाहरण में मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ ऑक्सीजन में दहन होने पर श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है या अपचयन? जी हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन तथा रेडॉक्स अभिक्रियाओं रेडॉक्स रिएक्शंस का अध्ययन किया।